तो भैया जय श्री राम सभी को। जिस घड़ी जिस वक्त का इंतजार था वो आ गई है। यस, द मच अवेटेड फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। यकीन तो वहाँ नहीं हो रहा है जिस मूवी को इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा था, जिसका ट्रेलर एक दिन पहले ही लीक हो गया था, फिर भी ट्रेलर को लोगों ने इतनी बेसब्री से देखा। और ताज्जुब तो वहाँ हो रहा है, ट्रेलर बहुत प्यार बटोर रहा है पब्लिक से। जहाँ दोस्तों पूरा का पूरा सिनेरियो बदल कर रख दिया। वो कहते हैं ना कि वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। यस, आदि पुरुष के मेकर्स ने वाकई माइंड गेम खेला है भाई साहब। जितना गंदा इसका टीजर था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इनका ट्रेलर है। बहुत ही चालाकी से, बहुत ही समझदारी से जो दमदार ट्रेलर रिलीज किया है इन्होंने, मानना पड़ेगा भैया, हैट्स ऑफ है, कमाल की स्ट्रेटेजी है। दूसरा, बिट बाय बिट जो समझदारी का परिचय दिया है पूरे ट्रेलर में, कमाल है। हालांकि कहानी सबको मालूम है कि पूरी मूवी में क्या होने वाला है। श्रीराम वनवास जाएंगे, रास्ते में कुछ राक्षसों को मारेंगे, सबरी के जूठे बेर खाएंगे, सीता का हरण होगा, फिर लंका जाएंगे, रावण से लड़ने और उसे मारकर सीता को वापस ले आएंगे, द एंड। लेकिन सबके बावजूद ट्रेलर में ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सी मूवी अपनी पूरी कहानी रिवील कर देते हैं छोटे से ट्रेलर में, लेकिन आदि पुरुष ने नहीं करा। सिर्फ मेन पोर्शन को ही शो किया है जो ऐसी आग लगा रहा है लोगों के दिलों में, कमाल है। जी हां दोस्तों, आज से 10 दिन पहले जो क्रिटिसिज्म इस फिल्म को मिल रहा था वो आग अब साइड ठंडी पड़ने लगी है। मूवी का सबसे नेगेटिव पॉइंट था इसका वीएफएक्स। मेकर्स ने बहुत सावधानी से जो चाल चली है पूरे ट्रेलर में, वीएफएक्स का इमेजिनरी सीन बिल्कुल गायब कर रखा है। सिर्फ डिवोशन से रिलेटेड, लोगों की श्रद्धा से रिलेटेड कुछ पार्ट जो जरूरी थे, जो सीधा पब्लिक को हिट करेंगे, उन्हें ही दिखाया गया है। जैसे हनुमान का समंदर को लांघकर लंका जाना, सीता मैया से पहली मुलाकात विशाल अवतार में हनुमान जी की, राम सेतु पत्थरों से पुल का निर्माण करना, और सबसे ज्यादा आई कैची एंड गूजबम्स वार्मिंग सीन हनुमान जी का पहाड़ नोच लाने वाला सीन संजीवनी बूटी के लिए। तो ट्रेलर में जो दिखाया गया है, एवरीथिंग इज टिप टू टॉप अमेजिंग है। हर एक चीज का बेस्ट कॉम्बो, श्री राम के लुक का एक नंबर गबरू जवान महापुरुष वाला, सीता मैया का लुक बिल्कुल प्योर एंड ब्यूटीफुल। तो इस बार वाकई में मेहनत किया है। देखो, रामायण जिस चीज की वजह से चलती है उसका ही ज्यादा इस्तेमाल करके ये लोग अपनी वीएफएक्स का एडवांसमेंट प्रूव कर पाएंगे। लेकिन फिर में इनका फॉर्मेट ये था कि हम रामायण को अपडेट करेंगे और एनिमेशन की दुनिया से मस्त रियल वीएफएक्स का इस्तेमाल करके अपना एक अलग पहचान देंगे। लेकिन फेल हुए, मुंह की खानी पड़ी इन लोगों को, क्योंकि रामायण के साथ छेड़छाड़ नॉट एक्सेप्टेबल। इट्स प्योर इंडियन माइथोलॉजी जो कि प्योर फॉर्म में ही अच्छी लगती है। और यस, न्यू ट्रेलर में ये फॉलोअर्ड पैटर्न काबिले तारीफ है, इसलिए लोग ट्रेलर को इतना पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तारीफों के ही पुल बांधते रहे हम इसमें, कमियां बहुत सी हैं। और सबसे बड़ी कमी तो ये है कि श्रीराम का नाम सुनकर हमारे चेहरे पर स्माइल आती है, उनका नाम से सुकून मिलता है। लेकिन ओम राउत की रामायण में तो बिल्कुल एक एंग्री राउडी मैन को दिखाया गया है एज अ राम, जो कहीं ना कहीं पब्लिक को डिस्कनेक्ट करेगा मूवी से। क्योंकि हमने बचपन से ही प्रभु श्री राम में एक सरलता देखी है, सहजता देखी है, किसी भी चीज को समझाने का वो सरल स्वभाव देखा है। तो ये एक पिटफॉल साबित हो सकता है, क्योंकि वो भगवान है और भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती, ना कि नेगेटिविटी, एंगरनेस वगैरह वगैरह। देखो, भगवान श्री राम के चेहरे पर आज तक हमने सिर्फ एक मुस्कुराहट देखी है और मुंह से निकलती वाणी में एक सरलता देखी है, जो नेगेटिव्स को भी इतनी पॉजिटिवली रखते हैं लोगों के सामने। बाकी मूवी की कास्ट अमेजिंग है और इस बार रावण को बहुत छुपा रखा है। सही है, मूवी के लिए भी बेस्ट पार्ट बचा के रखना मेकर्स के लिए ये चालाकी का मूव है, ताकि थिएटर जाने वालों को वाकई में कुछ मिल पाए जो ट्रेलर से अनएक्सपेक्टेड हो। लेकिन कृति सनन एज मां सीता बिल्कुल गॉडेस लग रही है, थोड़ा सा पार्ट और होना था उनका ट्रेलर में। बाकी ओवरऑल मूवी देखें तो 90-100% अमेजिंग है। वीएफएक्स का बढ़िया इस्तेमाल लग रहा है इस बार, तो ऐसा नहीं है कि हेटर्स की कमी है। यस, मूवी अभी भी कंट्रोवर्सी में रहेगी, क्रिटिसिज्म जरूर मिलेंगे, लेकिन अब ये पॉजिटिव एंगल होगा मूवी का कि कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस में कमाल कर देगी। जो 600 करोड़ की लागत है वो अब शायद कवर हो सकती है। हाँ, नॉर्थ बेल्ट में उतनी पकड़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि रामायण का विजन नॉर्थ में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल कूल एंड काम वाला। और ओम राउत की रामायण में फुल मासी एक्शन भी देखने को मिलेगा, और ओम राउत के प्रभु श्री राम में थोड़ा राजामौली के बाहुबली की झलक भी जरूर देखने को मिल रही है। बाकी कास्ट की बात करें तो अमेजिंग है। प्रभास एज राम उर्फ राघव, कृति सनन एज मां सीता उर्फ जानकी, सनी सिंह एज लक्ष्मण, सैफ अली खान एज रावण उर्फ लंकेश, देवदत्त नागे एज हनुमान। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अभी आप लोग बताएंगे कि ट्रेलर कैसा लगा, अभी भी कोई कमी है मूवी को देखने के लिए, कितना एक्साइटमेंट है? प्रभास एज राघव और कृति सनन एज जानकी कैसी जोड़ी लगी आप लोगों को? क्या मूवी अभी भी फ्लॉप जाएगी या ब्लॉकबस्टर हिट जाएगी? फटाफट सब कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।